हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आपका मोइजिन चैनल में। आज हम बात करने वाले ड्रैगन बॉल जी के एपिसोड 64 के बारे में। अभी तक आपने अगर इसके 63 एपिसोड्स नहीं देखे हैं, जो कि आई बटन पे एज इट इज आपको मिल जाते हैं, जाके उस चीज का मजा उठाओ, इस वीडियो को कंटिन्यू करो। और हाँ दोस्तों, अभी तक आपने अगर इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दो। साथ ही साथ ये वीडियो पूरा देखो और आपका एक फेवरेट मोमेंट कमेंट डाउन भी कर देना। तो चलिए देखते हैं ड्रैगन बॉल जी एपिसोड 64। तो दोस्तों, अब तक हमने इस एपिसोड में देखा है जहाँ पर ये जो बुलडॉज है, इसने एक्चुअल में कर दिया है माइंड फ्रीज, जिस वजह से वो मार देता है सीधा ही गोहान और क्रिलिन को। कंटिन्यूस अटैक किए जा रहा है और फिर ये ऊपर भी जाता है। ऊपर जाके भी गोहान और क्रिलिन को बहुत जोर जोर से मारता है। फिर एक पेड़ को उठाता है जिसको नुकीला कर देता है, जिसको सीधा ही ये दे मार रहा है अभी क्रिलिन को। जैसे ही वो क्रिलिन के पास पहुंच रहा होता है, वो पेड़ का जो लकड़ी है वो, तभी वहां पर वेजिटा लेजर चला देता है, जिससे गुलडॉज की वहाँ पर मौत हो जाती है। उसका सिर धड़ से अलग हो जाता है, जहाँ पर ये लोग वेजिटा को थैंक्स कहते हैं। जहाँ वेजिटा कहता है कि मुझे थैंक्स मत बोलो, बस ये तुम्हारे साथ इस टाइम हो गया है, अगली बार नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैं इस टाइम तो बदला ले रहा था, मेरा पर्सनल था, इस वजह से मैंने तुम्हें बचाया, लेकिन अगली बार से मैं तुम्हें नहीं बचाने वाला, ये ध्यान रखना। तभी ये जो तीनों लोग है जो कि गिन्यू फोर्स के मेंबर है, वहाँ पर वो रेडी हो रहे हैं, रॉक पेपर सीजर करते हैं और वो आखिरकार डिसाइड कर लेते हैं कि आखिरकार कौन इनसे लड़ने वाला है, जहाँ पर आरकॉम इनसे लड़ने वाला है। और अब ये दोनों भी रेडी है, उधर आरकॉम भी रेडी है, और इसी नोट पे इस एपिसोड की शुरुआत भी होती है। अब हम देखते हैं रॉकॉम को, जो कि रेडी हो रहा है वेजिटा से लड़ने के लिए, जो कि आगे आता है। इधर वेजिटा भी आगे आता है और तभी जो आरकॉम है वो एक्चुअल में पोज करता है, जहाँ पर तुम्हें तो पता ही है कि वो वियर्ड सी पोज करेगा, जहाँ पर रॉकॉम उसका नाम है। जहाँ वो रेडी होता है इसे मारने के लिए, इधर अपना वेजिटा पावर गेन करते जाता है। वो इतनी ज्यादा लेवल अप कर देता है कि इधर चेस जो है वो बहुत ही ज्यादा शॉक में है, कि वो सोच रहा है कि इतनी ज्यादा पावर लेवल है, जहाँ पर गोहान और क्रिलिन भी झुक चुके हैं। अब ये दौड़ आता है वेजिटा और बिना कुछ कहे सीधा ही मार देता है रॉकॉम को। अब इतनी जोर के मारने की वजह से वो उड़ जाता है ऊपर। वेजिटा सीधा ही दूसरी छोर से उड़कर आता है और उसे दोनों मुक्के मार देता है, जहाँ पर उसे ज्यादा चोटें तो आई है लेकिन उसे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। जहाँ पर वेजिटा उसे पकड़ता है और सिंपली फेंक देता है बहुत ही ज्यादा दूर। जहाँ पर वो गिर रहा होता है तो वो जाकर सीधा ही पत्थर को टकरा जाता है। इसी के बीच में वेजिटा जो है वो कंटिन्यूस अपने ब्लास्ट करता है उसके ऊपर, जो कि बहुत ही ज्यादा बड़ा होते हैं। तभी इधर गोहान और क्रिलिन झुक जाते हैं, और इतना बड़ा ब्लास्ट होने के बाद इनको लगता है कि भाई ये आखिरकार जीत गए, यानी वेजिटा ने रॉकॉम को मार दिया। जहाँ पर क्रिलिन और गोहान बहुत ज्यादा खुश दिख रहे हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं कि भाई वो एक्चुअल में मरा नहीं है, वो तो जिंदा ही है, सिर्फ उसके कपड़े फटे हुए है, जो कि फिर से वियर्ड सी पोज में खड़ा है, जिसका पिछवाड़ा भी इसके कपड़ों से फट चुका है, जो कि दिख रहा है। तभी इधर गोहान और क्रिलिन बहुत ज्यादा शॉक में है कि भाई इतना होने के बाद भी ये ज्यादा पावरफुल दिख रहा है, जहाँ पर वेजिटा ने अपना पूरा जोर लगाया है। तभी हम देखते हैं इधर कैप्टन गिन्यू को, जो कि उड़ते हुए जा रहा है ड्रैगन बॉल लेके। तभी उसके पास का ड्रैगन बॉल नीचे गिर जाता है, तो वो कैसे तो उठा के फिर से उड़ने लगता है। जहाँ वो यही सोच रहा है कि अगर एक भी बॉल मेरे से गुम हो गया ना, तो फ्रीजा मुझे नहीं छोड़ने वाला। इधर हम फ्रीजा को देखते हैं, जो कि अपने टीम के साथ बात कर रहा है कि भाई इसका एक्चुअल में मुआयना करो। किसका? प्लैनेट नेमेक का। जहाँ पर कंप्यूटर एनालाइज करके बता देता है कि इस प्लैनेट पर ना जीवन है, ना कुछ बचा हुआ है, ना कुछ खनिजे है, या फिर जॉब्स भी नहीं मिलेंगे यहाँ पर, तो हमें कुछ भी नहीं मिलने वाला है, तो इस प्लैनेट का हमें कोई मतलब नहीं है। जहाँ पर फ्रीजा कहता है कि ठीक है, फिर इसको तो हम खत्म कर ही देंगे। जहाँ पर उसके सामने बैठा हुआ बंदा पीछे देखकर चिल्लाता है, क्या? तभी फ्रीजा कहता है कि और प्लैनेट ढूंढे जाए जिसको हम कॉन्कर कर सकते हैं, क्योंकि ये प्लैनेट तो कुछ काम का नहीं है। तभी ये लोग प्लैनेट ढूंढ रहे हैं। इधर आकोम जो है वो रेडी हो चुका है वेजिटा को मारने के लिए, जो कि दौड़ कर आता है और सीधा ही एक जोर का पंच मार देता है वेजिटा को। अब फिर से वेजिटा आता है इसे मारने के लिए। अब इन दोनों के हैंड टू हैंड कॉम्बैट जारी है, जहाँ पर ये दोनों ही ताकतवर होकर लड़ रहे हैं। तभी ये जो रॉकॉम है ये एक्चुअल में जोर का पंच मार देता है वेजिटा को, जिस वजह से वेजिटा को लग चुकी है। जहाँ पर वेजिटा
सीधा ही जाकर गिर चुका है पानी के अंदर। वो अभी आने वाला नहीं है जहाँ पर वो नदी में गिर चुका है, जहाँ क्रेलिन ये देखकर बहुत ज्यादा शौक में है। गोहन भी कह रहा है कि वेजिटा तुम आखिरकार कहाँ पर हो। तभी रकोम को पता चल जाता है कि वो मरा नहीं है, वो तो जिंदा है। जहाँ पर वेजिटा सीधा ही उठकर आता है और रकोम के पेट में जोर का मुक्का मार देता है, जहाँ पर ये जो रकोम है ये एक्चुअल में बहुत जोर से चिल्लाता भी है। अब ये कंटिन्यूस मारे जा रहा है रकोम को, जहाँ पर हमें लगता है कि रकोम मर जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वेजिटा को वो पकड़ता है और वेजिटा को सीधा ही नीचे फेंक देता है बहुत ही तेज, जो कि जमीन के अंदर धस चुका है। ये देखकर क्रेलिन और गुहान की चीखे तो ऑलरेडी निकल चुकी है। अब उस गड्ढे में से ये रकोम निकालता है वेजिटा को और दूर फेंक देता है, जहाँ पर वेजिटा अपनी कलेबाजी के थ्रू एक एनर्जी ब्लास्ट कर तो देता है, जो कि रकोम को लग भी जाता है, फिर भी रकोम उठ जाता है। जहाँ पर वो कहता है कि मुझे इत्तु से तो कुछ नहीं होने वाला। जहाँ पर वेजिटा की हालत बहुत ज्यादा खस्ता हमें दिख रही है, जहाँ पर अभी रकोम मारने वाला है ऐसा हमें कंफर्म लग रहा है। जहाँ पर जेस और ये जो गुटा है ये एक्चुअल में बहुत ज्यादा मजे ले रहे हैं इस फाइट के। तभी वेजिटा कहता है कि इसे हराना तो नामुमकिन है, फिर भी मुझे हराना होगा। इधर गुहान सोच रहा है कि आखिरकार हम इसे कैसे बचा सकते हैं। जहाँ पर क्रेलिन गुहान को कहता है कि मैं जैसा बोलूं वैसा करो, जहाँ पर ये दोनों ही भागकर जा रहे हैं। तभी इधर हम देख रहे हैं कि रकोम एनर्जी गेन कर रहा है और अब वो दौड़ के मारने के लिए आएगा। तभी हम देखते हैं गोकू को, जो कि फाइनली अभी बस कुछ ही पलों में उतरने वाला है प्लैनेट नेमेक पर। इधर हम वेजिटा को देख रहे हैं जिसके सामने रकोम दौड़कर आने वाला है। तभी हम देखते हैं कि रकोम दौड़ के नहीं आता है, वो सीधा ही एक एनर्जी ब्लास्ट कर देता है वेजिटा के ऊपर। जैसे ही वो मुंह खोलता है और ब्लास्ट करता है, वैसे ही हम देखते हैं कि गोहान ने बचा लिया है वेजिटा को और उधर क्रेलिन मारने के लिए चला गया है रकोम के पास, जहाँ पर वो जोर का मुक्का मार तो देता है, जहाँ पर रकोम नीचे भी गिर जाता है। इधर वेजिटा बहुत ज्यादा नाखुश है, जो कि कह रहा है कि मेरे पास इसका तोड़ था, मैं उसको वापस से वो हिट कर सकता था, लेकिन तुम दोनों पागल हो जो इसके बीच में आ गए हो। जहाँ पर क्रेलिन भी बहुत ज्यादा शॉक में है और गुहान भी। इधर हम देखते हैं कि रकोम आखिरकार उठ गया है, जो कि अभी मारने वाला है क्रेलिन को, क्योंकि वो क्रेलिन के सामने ही खड़ा है। जहाँ पर गोटा और जेस कहते हैं कि भाई इसे मार दो, जहाँ पर वो अभी एनर्जी लेवल अप कर रहा है और मारने के लिए आगे बढ़ रहा है। जैसे ही वो मारने के लिए आगे बढ़ता है, वैसे ही जोर की लात मार देता है क्रेलिन को और क्रेलिन दूर जाकर गिर जाता है, जिसकी हड्डी पसली सब टूट चुकी है। जहाँ पर गुहान उसके पास जाता है और उसे पूछता है कि क्रेलिन तुम क्या ठीक हो। जहाँ क्रेलिन कहता है कि मेरी एक भी हड्डी नहीं बची है जो कि टूटी ना हो, सारी हड्डियां ब्रेक हो चुकी है और अब मैं किसी काम का नहीं हूँ, सॉरी गुहान। जहाँ पर गुहान को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, जो कि कह रहा है कि तुम मेरे दोस्तों के साथ ऐसा नहीं कर सकते, उन्हें ऐसी चोट नहीं पहुंचा सकते। जहाँ पर वो रेडी हो रहा है मारने के लिए, तभी वेजिटा कहता है कि इसे मारना नामुमकिन है। तो गोहान थोड़ा सोच समझ कर, जहाँ पर क्रेलिन कहता है कि सोच समझ कर गोहान अटैक करना, जहाँ पर तुम्हारी एनर्जी पूरी तरह से झोंक देना उसे मारने के लिए। जहाँ पर अभी गोहान रेडी हो चुका है रकोम को मारने के लिए। और इसी नोट पे इस एपिसोड का एंड होता है दोस्तों। क्या गोहान वाकई में रकोम को मार पाएगा, या फिर रकोम ही मार देगा गोहान को, या फिर उसके ही पहले गोकू आ जाएगा इस प्लैनेट पर इन्हें बचाने के लिए? जानने के लिए देखना पड़ेगा ड्रैगन बॉल का अगला एपिसोड। तब तक कीजिए लाइक इस वीडियो को, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और अभी तक आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दीजिए। और तब तक के लिए देखते रहिए मूवीज़ इन।